नमस्कार, आप देख रहे हैं बजिंग न्यूज और इंट्राडे में उच्चतम स्तर पर कामकाज कर रहे हैं। अभी कैशेज के बेहद करीब पहुंच गए और दिसंबर सीरीज का आगाज शानदार तरीके से किया। कौन से स्टॉक्स पे दाव लग रहा है उस पर बात करें। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे अपनी स्क्रीन है भी देख लेंगे तो काफी स्ट्रांगली गेन्स आपको दो सेक्टर्स में नजर आएंगे। एक तो आईटी, आज के दिन में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन है वो है आईटी की, और दूसरा है फार्मा, जो अब निश्चित रूप से बहुत स्मार्टली पुल बैक दे रहा है, और वो भी लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा जैसे स्टॉक, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स। आईटी में कोई भी स्टॉक चुना होता तो आज पॉजिटिव रुझान दे रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक सबसे स्ट्रांगली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी पे। टेक महिंद्रा पे गेंस काफी शानदार है। छोटे मझौले स्टॉक्स भी जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे शेयर्स भी आज लाइमलाइट में आते हुए नजर आए। अच्छे संकेत, सीरीज की शुरुआत काफी बेहतर तरीके से की, सभी सेक्टर्स हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, खासतौर से आईटी, फार्मा, ऑयल एंड गैस स्पेस में अच्छी खरीदारी जो निफ्टी को ले आई है 8100 के लेवल के बेहद करीब। मेरे साथ संदीप, मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, बताएं आज न्यूज फ्लो कहां पर स्ट्रांग है, जहां पर असर देखने को मिल रहा है काउंटर स्पेसिफिक। शुक्र अजय, सबसे पहले तरवकस की बात करना चाहेंगे। इस कंपनी के जो शेयरधारक, उन्होंने जिम कारोबार को अलग करने की यानी कि डीमर्ज करने की मंजूरी दी और इसे तरवकस लाइफस्टाइल में शामिल किया जाएगा। जो शेयर स्वैप रेशो है उसमें तरवकस के हर एक शेयरधारक को तरवकस लाइफस्टाइल का एक शेयर मिलेगा। इस खबर को बाजार ने पॉजिटिवली लिया है। 4% के आसपास की गेंस अभी भी आपको नजर आएंगे, लेकिन एक शेयर जो कि कमजोर आज के मजबूत बाजार में कमजोरी दिखा रहा है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। दरअसल इनके जो प्रमोटर्स है अवंता ग्रुप, उन्होंने शेयर गिरवी रखे हैं। एबी फाइनेंस के पास करीब 500,000 शेयर गिरवी रखे हैं और एसटीसीआई फाइनेंस के पास करीब 300,000 शेयर गिरवी रखे, तो कुल मिला के 800,000 शेयरों का प्लेज हुआ। उस वजह से देखिए मजबूत बाजार में करीब 2% के आसपास की कमजोरी है। आईटी शेयर का आप मेंशन कर रहे थे, दिग्गजों की बात कीजिए चाहे इंफोसिस, एचसीएल, टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में 5-5.5% के आसपास की गेंस है, लेकिन मिड कैप आईटी काउंटर्स में देखिए जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली है। एचसीएल, इन्फ्रो, सेरेब्रा, आरएस सॉफ्टवेयर, हेक्सावे, टाटा एलेक्सी, ओएफएसएस, एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे आप देखिए 15-20% तक के जो गेंस है वो भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आईटी के अलावा मेटल एक ऐसा पैक है जहाँ पे काफी अच्छे गेंस है आज, नालको इसे लीड कर रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, टाटा स्टील, गैलन इस्पात, छोटे मझोले काउंटर्स भी हैं जो कि काफी अच्छी तेजी आज के दिन में दिखा रहे हैं। रियलिटी शेयरों में भी आज जोश देखने को मिला है। इंडिया बुल रियल एस्टेट यहाँ पे लीड कर रहा है, 90 रुपये तक का जो मैक्सिमम प्राइस दिया गया था बायबैक का, उसके बाद दूसरे दिन लगातार तेजी है। यूनिटेक, ओबरॉय, एचडीआईएल, पेनिनसुला लैंडिंग कुछ और काउंटर्स है जो कि आज तेजी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फार्मा शेयरों में आप देखिए लाइका लैब एक काउंटर है, 20% के ऊपरी सर्किट पे आपको नजर आएगा। इसके अलावा ऑकेट फार्मा, मंगलम ड्रग्स, अरबिंदो फार्मा, लुपिन जैसे जो दिग्गज हैं वो भी आज इस तेजी में साफ तौर पे कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर की आप बात करें तो इसमें खासतौर पर ऑफशोर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे काफी अच्छे गेंस आज देखने को मिले हैं। डॉल्फिन ऑफशोर, गोल ऑफशोर, सेलान, एचओईसी, अबान जैसे काउंटर्स में देखिए 3-14% तक की जो तेजी है आज के दिन में देखने को मिल रही है। पेरिफेरल्स में एक लिकर ऐसा स्पेस है जहाँ पे काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। सोम डिस्टिलरीज एक छोटी कंपनी है, पायनियर डिस्टिलरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, एमपी डिस्टिलरीज, पिंकन स्पिरिट्स, यहाँ पे भी अगर आप देखें 10-11% तक के जो ऑन द हायर साइड जो मूव्स है वो देखने को मिल रहे हैं। केमिकल शेयरों में भी कई दिनों के बाद तेजी लौटी है। पंजाब अल्कली, सुदर्शन केमिकल, अक्षर केमिकल, आईजी पेट्रो, थर्मलाई केमिकल, कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जिनके 5% के सर्किट है वो सर्किट पे लॉक हैं और ऑन द हायर साइड देखिए 10-11% तक के जो मूव्स हैं वो इस स्पेस में भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक पूरा ग्रुप अगर आप देखें टेक ग्रुप, यहाँ पे काफी मजबूती देखने को मिल रही है, खास तौर पे कैस्टेक, टेक्स और मेटलिस फॉर्जिंग, यहाँ पे तो 20-20% तक के जो मूव्स हैं वो देखने को मिले और बाकी कंपनीज में देखिए 10% तक के जो मिनिमम मूव्स हैं वो आज के दिन में ऊपर की साइड में देखने को मिल रहे हैं। आखिर में एनबीएफसी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि यहाँ पे रिकवरी शुरू हुई थी, आज भी जो रिकवरी का सिलसिला वो जारी है। स्टैम्पीड कैपिटल देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, सेटिन क्रेडिट केयर, मैग्ना फिनसर्व, कैपिटल ट्रस्ट, एलएनटी फाइनेंस, इन सभी काउंटर्स में 3-10% तक के जो मूव्स हैं आज भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए, और काफ़ी समय बाद इतनी स्मार्ट रिकवरी मार्केट्स पे आई है। मुझे याद पड़ता है कि पिछली सीरीज में इनफैक्ट जैसे ही पहला हफ्ता खत्म हुआ उसके बाद से बिकवाली हावी हो गई थी और 7% टूट गए थे। आज सीरीज दिसंबर सीरीज का पहला दिन है और जो पैक लीड कर रहे हैं उसमें आईटी, फार्मा, मेटल्स, ऑफशोर कंपनियां, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स हरे निशान में और निफ्टी के मात्र 8-10 शेयर्स ही हैं जो इसमें लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आज चल पड़ा, इनफैक्ट 12 में से 10 शेयर्स हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, तो ट्रेड सेटअप बहुत स्ट्रांग है। सीरीज की शुरुआत स्ट्रांग हुई है, अब देखते हैं कि अब 8200 के बेहद करीब जाके कामकाज करते हैं कि नहीं। लेकिन क्योंकि हम अलग अलग एक्सपर्ट से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार पे अब क्या करना चाहिए, प्रभुदास लीलाधर ग्रुप के अजय बोटके का कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन भारत को के जो माइक्रो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी मजबूत हैं, निवेशकों को क्वालिटी स्टॉक्स में 1-1.5 साल के लिए नज़रिए से निवेश करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि इंडिया के माइक्रो फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ है हमारा, सीएडी बहुत ही स्मॉल मात्रा में है, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, और हमने देखा है फॉरेक्स रिजर्व्स, रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास है, एंड लास्टली इन्फ्लेशन
नीली 4.2% पे आ गया है। इसका मायना ये है कि आरबीआई के पास 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स घटाने की लीवे है, और मेरा ये मानना है कि आरबीआई अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा। मेरा अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आ सकता है, जिससे इकोनॉमी के कंजम्पशन में फिर से एक उठाव आने की संभावना है। तो ये सब चीज़ें मद्देनजर रखते हुए और करेक्शन देखते हुए इन्वेस्टर्स को अच्छे फ्रेंचाइजेस जो मिल रहे हैं आपको 20 या 30% कटौती के बाद, उनमें निवेश करना चाहिए 12 से 15 मंथ के पर्सपेक्टिव से। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं उनमें हम पॉजिटिव हैं। IOC इन पर्टिकुलर इज अ कंपनी दैट वी आर स्ट्रांगली एडवोकेटिंग इन्वेस्टर्स टू लुक एट विद अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। वी हैव सॉर्ट ऑफ नो टारगेट प्राइस ऑफ 385 रुपीज ओवर 15 to 18 month होराइजन इन IOC। In in the gas part of the business, I think we like Indraprastha Gas, and there we have a target price of 1,080 rupees over a 15 to 18 month perspective. The company is, we are expecting a very strong earnings growth of 46% in this year for Indraprastha Gas, followed by around 16% in next financial year. And we think the valuations are quite attractive at 16.4 times FY18 earnings. So ye do companies in oil and gas sector mein we are very positive on. चलिए, लेकिन जो मार्केट्स हैं वो अब 8100 का लेवल कभी भी तोड़ सकते हैं। 8093 के लेवल पे हैं इंडियन मार्केट्स। निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पे आईटी पैक लीड कर रहा है 8094 के लेवल पे। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो रुपी टर्म रुपी और डॉलर इक्वेशन का पड़ रहा है। करेंसी मार्केट पे फ्लक्चुएशन बढ़ती चली जा रही है। अगर 3 हफ्ते पहले ही देखें तो जो रुपया था वो 6633 के लेवल पे था, अब 6848 में। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मौजूदा रुपये का स्तर है और ऊपरी स्तरों से आज थोड़ा संभलने की कोशिश की है। कल 6886 का लो टच किया था डॉलर के मुकाबले। मैक्ले फाइनेंशियल के जमाल मैक्ले का कहना है कि रुपये में उठापटक जारी रहेगी और अगले महीने रुपये 70 रुपये प्रति डॉलर तक जा सकता है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है। To my mind, I'm not sure that either of these will have any additional impact. But the fact is that the market is very nervous. So there will continue to be a lot of volatility. We've already crossed 6850 and come back. So I would say we have to assume that there is more weakness for the rupee in store. Now, jo kal hove ya do hafte baad hove ya mahina baad hove, see, this next period for India is very, very difficult. So if your central bank is so inefficient in managing one aspect, a very key aspect, and something that they had, shall we say, obviously some advance notice. So, if they could not manage, investors would feel, ke baba, you know, maybe we have to be a little more careful. चलिए, लेकिन एक और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो है गवर्नमेंट सोर्सेज की ओर से। टैक्स चोरी पर सरकारी सूत्रों ने स्थिति साफ कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अघोषित आय पर जुर्माने के 2 विकल्प दिए जा रहे हैं। क्या हो सकते हैं ये विकल्प, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, बताएं ये जो 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं क्या हो सकते हैं, और टैक्स चोरों के खिलाफ और कितनी सख्ती कर सकती है सरकार? देखिए, सरकार ने जो जो सोर्सेज ने जो स्थिति क्लियर की है उससे बड़ा साफ है कि विकल्प 2 है। पहला विकल्प ये है कि 50% जो अगर खुद घोषित करेगा वो 50% उसका उस पर पेनल्टी लगेगी, टैक्स देना पड़ेगा, और प्लस उसको 4 साल के लिए ये जो संपत्ति ये घोषित करेगा उसको लॉक इन रखना पड़ेगा ये 4 साल के लिए। दूसरा जो विकल्प है, अगर जो दूसरा अल्टरनेटिव जो है, अगर छापे में पकड़ी गई और आप उसको बता नहीं पाए कि उस इनकम का सोर्स क्या है, तो उस पर 60% पेनल्टी लगेगी और साथ ही साथ 60% आपको टैक्स देना पड़ेगा और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करेगा। तो इस तरह से सरकार जो है दोहरी मार, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं या पैसा छुपा रहे हैं उनके ऊपर दोहरी मार करना चाहती है। अगर आपके पास पैसा है और उसकी जो आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में घोषित कर देते हैं तो आप 50% उस पर टैक्स देकर उससे छूट सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपको 4 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो छापे में पकड़ा जाता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई के दौरान ये पकड़ता है तो उस पर आपको 60% तो टैक्स देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। जो कल कैबिनेट की बैठक हुई है उस पर ये गवर्नमेंट सोर्सेज से क्लैरिफिकेशन आया है। तो ये बताएं दीपक, क्या खुद आय अभी भी अघोषित आय को घोषित करने वालों को कुछ बेनिफिट जरूर होता हुआ नजर आएगा? सरकार के इस पक्ष में है कि अभी भी लोग अपने जो
अघोषित आय है उसको घोषित कर दें, क्योंकि वो फिर 50% का टैक्स और 4 साल का लॉक इन, ये ऑप्शन उनके ऊपर लागू होगा। देखिए, जो भी अपनी आय को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा और ये कहेगा कि ये मेरे पास आय है जिसको अभी तक मैंने डिक्लेयर नहीं किया था इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न में, तो उसके ऊपर 50% टैक्स लेके और उसको 4 साल के लॉक इन में डाल के सरकार उसको उस पर मैक्सिमम 50% और 4 ईयर्स लॉक इन पीरियड करके छोड़ देगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स की कार्रवाई में आप कहीं पकड़े जाते हैं, कहीं छापे के दौरान आपकी कार से, घर से ऐसी संपत्ति मिलती है जो कि आप इनकम टैक्स में प्रूव भी नहीं कर पाएंगे और वो छापे के दौरान पकड़ी जाएगी, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स में 60% आपसे टैक्स लिया जाएगा, प्लस उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने प्रोविजंस के हिसाब से पेनल्टी भी लगाएगा। एक तरह से कहा जाए ये जो पूरी संपत्ति है वो जुर्माने के तौर पर भी जा सकती है। तो इस तरह से जो सरकार है वो ईमानदारी से अपना जो आपके पास पैसा है या संपत्ति है उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रही है। चलिए, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए शैलेंद्र कुमार झा जी मेरे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है सरकारी सूत्रों के हवाले से, दो विकल्प दिए जा रहे हैं सर। एक तो अगर पकड़े जाने पर 60% टैक्स पेनल्टी, टैक्स और उसके बाद पेनल्टी, और दूसरा है कि अगर आपने अपनी आय जो है अघोषित आय को घोषित कर दिया तो 50% पेनल्टी और साथ साथ 4 साल का लॉक इन, ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, सरकार की तरफ से तो इस तरह के स्टेप्स जो है जहां पर की एविडेंस है, प्रूफ है, तो होनी चाहिए, पेनल्टी तो जरूर लगनी चाहिए। पर चैलेंज सरकार के लिए सबसे बड़ी ये होगी कि क्या है पेनल्टी को इस्टेब्लिश करना और उस तरह का एविडेंस डिपार्टमेंट के पास होना है अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज सरकार के लिए भी होगी। तो देखिए, हर एक जितने भी इकोनॉमिक लेजिस्लेशन टैक्स लॉज होते हैं उसके अंदर में पेनल्टी के प्रोविजन होते हैं और ये कुछ नई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के जो डिपॉजिट्स अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स में या जहां कहीं भी हुआ हो उसमें अगर इस तरह के एविडेंस इंडिकेट कर रहा है कि किसी के पास 5 लाख रुपए भी नहीं थे और आज 5 करोड़ है, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि वो फंड तो उसका है नहीं, किसी थर्ड पार्टी का फंड है। बट ये जरूर चैलेंज रहेगा कि सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो पैसा कहाँ से आया, आपके अकाउंट में क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये चैलेंज जो है लोगों के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए भी रहेगी, एसएससीज के लिए रहेगी और गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन सर, एक और सवाल ये भी है जो मैं सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 50% टैक्स और 4 साल क्या लॉक इन, यानी कि अगर आप अघोषित आय को खुद घोषित कर देते तो 4 साल के आपकी जो संपत्ति है 4 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगी। क्या अभी भी सरकार इस पक्ष में है कि कुछ ऑप्शन जरूर यहां पर एक दिया जा रहा है, और ये जो सेकंड ऑप्शन है जिन्होंने भी अभी तक अपनी अघोषित आय डिक्लेयर नहीं की है वो ये सेकंड ऑप्शन देके कुछ पेनल्टी से जरूर बच सकते हैं, क्योंकि पेनल्टी की रकम बहुत हैवी पड़ने वाली है सर। पड़ने वाली है, बिकॉज आपको याद होगा कि सरकार ने 30 सितंबर तक जो है एक ब्लैक मनी का विंडो रखा था जिसमें कि 45% के टैक्स रेट पे जो है गवर्नमेंट ने व्हाइट करने की प्रॉमिस की थी और लोगों ने किए। आपको भी पता है कि रफली 70,000 करोड़ का डिक्लेरेशन हुआ, उसमें रफली गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ के आसपास के टैक्स का जो है कलेक्शन हुए। अब इशू ये है कि आपने एक ऑप्शन दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी कहा था कि इस तरह की अगर बात आप नहीं सुनेंगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी और वो एक्शन अभी हो रहा है। बट ये जरूर था कि गवर्नमेंट का अगर चाहती गवर्नमेंट तो अभी जो है टैक्स कलेक्शन ज्यादा करने की अपॉर्चुनिटी थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद 10 दिन का और टाइम दे दिया जाता तो जितने लोग आज जो है बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ इधर उधर, और जैसा कि आपने सुना होगा कन्वर्जन की बहुत सारी बातें आ रही हैं कि लोग पैसे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करा रहे हैं, वो सब चीजें जो है नहीं होती और सारे पैसे सरकार के अकाउंट में आ जाते। तो कहीं ना कहीं इस स्टेप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रहे हैं जहां पर की कम्युनिकेशन गैप रहा है दो डिपार्टमेंट के बीच में, प्लानिंग में कहीं ना कहीं, और पेनाल्टी की जो इशू पे ज्यादा इसलिए नहीं फोकस करना चाहिए कि पेनाल्टी तो प्रोविजन हर एक टैक्स लॉ में होता है। अगर किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने गलत पैसे यूटिलाइज किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होगी ही और ये अब सरकार की मंशा है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। विकल्प पहला, आप पकड़े जाते हैं तो 60% टैक्स लगेगा प्लस पेनल्टी लगेगी, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपनी अघोषित आय को अगर घोषित करते हैं तो 50% टैक्स और 4 साल का लॉक इन, यानी कि 4 साल के लिए आपकी जो संपत्ति है वो लॉक इन हो जाएगी, ये एक और विकल्प दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दो जो ऑप्शंस हैं वो इस समय अघोषित
आय के ऊपर सरकार दे रही है, और इनफैक्ट ये जो अमेंडमेंट है इसको भी राष्ट्रपति की मंजूरी आना बाकी है। तो देखते हैं अभी क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन ये इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आई। और ऊपर से सरकार ने पुराने नोटों पर मिलने वाली जो राहत है उसको 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि सरकारी अस्पताल, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा जैसी छूट वाली जगहों पर 15 दिसंबर तक पुराने नोट चलेंगे, लेकिन इन जगहों पर अब सिर्फ 500 रुपये के ही पुराने नोट लिए जाएंगे। 1000 रुपए के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी अगर आपके पास 1000 रुपए के पुराने नोट हैं तो उसे आपको बैंक में ही जमा कराना होगा। साथ ही सरकार ने पुराने 500 रुपए के नोट स्वीकार करने की जगह भी की जो जगहें हैं उनको भी बढ़ा दिया है। 500 रुपए तक के जो प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के लिए 500 रुपए के नोट स्वीकार होंगे, यानी सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में पुरानी करेंसी में 2000 रुपए तक की फीस चुकाई जा सकती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव से पुरानी करेंसी में 5000 रुपए तक की खरीदारी की जा सकेगी। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसे भी बढ़ा दिया गया। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, अनुराग इसमें मौजूद है। अनुराग, 15 दिसंबर तक के लिए 500 रुपए के पुराने नोटों से मोबाइल रिचार्ज कराया जा सकेगा, इससे ग्राहकों के टेलीकॉम कंपनियों को भी फायदा होगा और बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बारीकियां आपके पास? जब से ये ऐलान हुआ है कि आप 500 रुपए के पुराने नोट से मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं तो इसका भी लोग काफ़ी फायदा उठा रहे हैं। मैं इस समय हूँ एक वोडाफोन स्टोर के बाहर और इस वोडाफोन स्टोर के अंदर हालांकि कई सारे लोग हैं जो अपने पुराने नोट के जरिए मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं। हालांकि स्टोर के बाहर ATM और बैंक जितनी इतनी लंबी लाइनें नहीं हैं, लेकिन स्टोर के अंदर कई सारे लोग हैं जो अपने पुराने नोट से रिचार्ज करा रहे हैं। जब हमने लोगों से भी पूछा तो लोगों का यही कहना है कि ये पिछले कई दिनों से वो अपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं कराया था क्योंकि और सारे कई दूसरे जो खर्चे थे उसमें वो जो उनके पास करेंसी मौजूद थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे और ये नॉन एसेंशियल है। और इसी बात को देखते हुए जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उन्होंने भी सरकार से के सामने मांग उठाई थी कि 8 नवंबर के बाद से जो मोबाइल रिचार्ज का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम हो गया था और इसी को देखते हुए सरकार ने भी अब राहत दी है। तो मैं कुछ लोग हैं उन्हीं से जानता हूँ। सर, आपसे यही समझना चाहूँगा कि जो राहत दी गई है 500 रुपये के पुराने नोट कल जाके आप रिचार्ज करा सकते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जो कल तक 500 के ओल्ड नोट पर रिचार्ज नहीं करवा सकते थे वो आज से चालू किया है तो ये एक अच्छा है, लेकिन एक ही नंबर पर एक ही बार रिचार्ज हो रहा है, इसको ज़रा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, कम से कम एक नंबर पर 2-3 बार होना चाहिए। लेकिन तो भी ओवरऑल आपको नहीं लगता कि पहले इससे जो ज़रूरतमंद थे या जिनको मोबाइल रिचार्ज कराना था पुराने नोट के जरिए वो करा सकते हैं? वो करा सकते हैं, ये अच्छा है कि 500 के नोट से आज से चालू किया है, अच्छा है ये, लेकिन इसको एक दो बढ़ाए तो अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों का मानना है कि अभी जो नियम है सरकार के नियम के मुताबिक 500 रुपये का रिचार्ज आप एक नंबर पे एक ही बार करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते, तो लोगों को मानना है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालांकि लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज़न है कि ये क्या केवल जो रिचार्ज है वो प्रीपेड सर्विस के लिए है या पोस्टपेड के लिए भी है। तो टेलीकॉम जो वोडाफोन स्टोर के अंदर एग्जीक्यूटिव है वो साफ साफ कह रहे हैं कि केवल प्रीपेड नंबर के लिए ही ये रिचार्ज है और माना ये भी जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल से टेलीकॉम ऑपरेटर्स 500 रुपये के रिचार्ज पर कोई एडिशनल स्पेशल स्कीम भी लेके आ सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस सरकार के इस ऐलान का लाभ उठा सके। चलिए लेकिन बाजार देखें तो 8097 के लेवल पे है, 1.5% ऊपर दिन के शुरू स्तर पे, और 8100 का लेवल कभी भी मार्केट्स ब्रीच कर सकते हैं। IT पैक लीड कर रहा है इसमें मार्केट्स को।